हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना, मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो इससे पहले वाली वीडियो थी ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। तो आप लोगों के लिए दोबारा से यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है। तो यार, यहाँ पे हर दिन सेल तो आती रहती है, फ्लिपकार्ट के ऊपर हो या अमेजन के ऊपर है। तो यार, यहाँ पे फ्लिपकार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए टीवी के ऊपर यहाँ पे सेल लेके आया है। तो भाई, वीडियो को अंत तक देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा जो टीवी आपको नहीं लेने चाहिए, और फिर बताऊंगा भाई आप लोगों के लिए टीवी कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका पैसा है, आपका पैसा आपको बचा के रखना है। तो भाई, सबसे पहला यहाँ पे टीवी आ जाता है जो है माइक्रोमैक्स का। ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यार इस टीवी की प्राइस यहाँ पे आपको 9,999 रुपये मिल जाती है। यहाँ पे आपको HD रेडी स्क्रीन मिलता है, मतलब डिस्प्ले यहाँ पे आपको HD रेडी मिलती है। मतलब यहाँ पे 720p से थोड़ा सा ऊपर, बढ़ के नहीं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको दो USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे और दो HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो भाई, ये टीवी इसलिए आपको मना कर रहा हूँ ना, क्योंकि माइक्रोवेव जैसा ब्रांड यार यहाँ पे आपको सर्विस अच्छी दे कि नहीं दे। तो यार, MI यहाँ पे लेके आया है अपनी एक और टीवी 12,999 रुपये में। तो भाई, ये टीवी को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये टीवी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका शाओमी का ब्रांड है। तो यार, यहाँ पे आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, सेम स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ पे आपको सेम ऑफर भी देखने के लिए मिलते हैं। यार, ऑफर भी ना यहाँ पे ये चल रहा है आजकल ऑफर में, आपको बाजार के कार्ड में भी आपको EMI देखने के लिए मिलेगी इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो भाई, प्रोडक्ट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अब आपके ऊपर है कि भाई आप कौन सा प्रोडक्ट लें। मैंने तो आपको यहाँ पे बता दिया कि माइक्रोमैक्स का यार अगर प्रेफर नहीं करता हूँ, आप यहाँ पे Xiaomi के साथ जा सकते हैं। तो भाई, एक की प्राइस है 12,999 रुपये, एक की प्राइस है 9,999 रुपये। अब इसकी प्राइस हो जाएगी, देख लेना आप, जैसी भी इनकी प्राइस होगी फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ये दिखी जाएंगी। अब यहाँ पे जो दूसरा टीवी आता है वो है थॉमसन वालों की तरफ से। भैया, थॉमसन कौन सी कंपनी है भाई? अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं बुरी कंपनी है। 17,999 रुपये का इनका टीवी है। तो भाई, इनके टीवी से थोड़ा सा एक बार हम बात कर लेते हैं। ये आपका फुल HD टीवी है। तो भाई, फुल HD टीवी है, तो भाई यहाँ पे 4K भी यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है आपके थॉमसन के B9 प्रो में। और भाई, आपको वाईफाई का इसमें मॉडम 802.BGM देखने के लिए मिलता है। तो भाई, आपको वाईफाई का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, USB पोर्ट और HDMI पोर्ट तो इसमें होंगे ही होंगे। पर इसका जो प्राइस है ना यार, बहुत ज़्यादा ओवर है। यहाँ पे आपको 17,999 रुपये देने पड़ते हैं, पर यहाँ पे ही वो अपना एक टीवी लेके आया है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, और यहाँ पे अच्छी उसकी स्क्रीन भी है। यहाँ पे आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, फुल HD डिस्प्ले वहाँ भी देखने को मिलती है, 4K भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे आपको उसका प्राइस भी देखने को मिलेगा 15,999 रुपये। मतलब 1,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, 1 या 2,000 का। तो भाई, यहाँ पे आप वू के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वू का जो टीवी है ना यार, मार्केट में बहुत हाइप बनाए बैठा है। भाई, दोनों ही 40 इंच की LED के साथ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की। अब यहाँ पे आ जाता है वू का एक और बड़ा टीवी जो है 43 इंच का, वू का आइकॉनिक। तो भाई, ये जो टीवी है ना, यहाँ पे आपको 43 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल HD प्लस, मतलब यहाँ पे आपको अल्ट्रा HD देखने के लिए मिलता है स्क्रीन, और यहाँ पे आपको 4K तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। 8GB की इंटरनल मेमोरी है भाई, मैं बोल रहा हूँ 8GB की इंटरनल मेमोरी है। यहाँ पे आप इसकी मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सेव करके रख सकते हैं। वाईफाई का मॉडम भी आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पर जो इसका प्राइस है ना, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है, ओनली 23,999 रुपीज़ में। तो भाई, ये भी मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके इतना पैसा है तो भाई आप ये टीवी भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको Dolby डिजिटल का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। Dolby डिजिटल क्या होता है सर? भाई, यहाँ में ना हम लोग देखते हैं थिएटर्स में जाते हैं, भाई यहाँ पे मतलब आपको साउंड मतलब इतनी तगड़ी तरीके से सुनाई देती है कि भाई यहाँ से भी बज रहा है, यहाँ से बज रहा है, कहाँ से बज रहा है, आप देखते हैं कि बज कहाँ से रहा है स्पीकर। तो भाई, यहाँ पे अगर आप Dolby डिजिटल वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे ना, तो भाई अपने स्पीकर के साथ, तो भाई आपको भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो भाई, अब नेक्स्ट जो टीवी आता है वो आता है हमारे सबसे प्यारे MI की तरफ से। भाई, जो MI का टीवी है ना, 4A Pro, तो भाई ये टीवी भी अपनी प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो भाई, ये जो प्राइस में मिल रहा है अभी 22,999 रुपीज़ में, पर यार ये एक एंड्रॉयड टीवी है। यहाँ पे आपको 2GB की रैम देखने के लिए मिलती है, और 8GB की इंटरनल मेमोरी देखने के लिए मिलती है, और ये आपका सिर्फ एक फुल HD डिस्प्ले है, अल्ट्रा HD नहीं है।
तो भाई यहाँ पे आप सिर्फ 4K तक ही देख पाएंगे, इससे बढ़कर में आप नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें आपको एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो देखने के लिए मिलेगा, लेटेस्ट नेटफ्लिक्स, आपको अमेजन प्राइम, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, जितने भी आपके ब्राउजिंग वाली चीज़ें हैं यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको सब चीज़ का सपोर्ट देखने में मिलेगा और गेमिंग भी यहाँ पे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं MI के नए जो लॉन्च हुआ है 4X के बारे में। ये जो टीवी है ना, इसका प्राइस यार बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एक अल्ट्रा HD, मतलब यहाँ पे आप 4K भी यहाँ पे सपोर्ट करवा सकते हैं, 4K वाली वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं। सेम स्पेसिफिकेशन क्वाड कोर का CPU देखने में मिलता है आपको 64-bit का, और यहाँ पे आपको 2GB की रैम और 8GB की इंटरनल मेमोरी, वाईफाई का 802.11bg और मॉडम देखने के लिए मिलता है, और यार यहाँ पे ना आपको डॉल्बी डिजिटल का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको स्पीकर में भी बहुत मज़ा आने वाला है। पर जो इसकी प्राइस है वो है यार यहाँ पे 39,999 रुपीज़। तो भाई ये जो टीवी है आपका 55-inch का टीवी है, तो भाई इस प्राइस रेंज के अंदर 55-inch का टीवी इतना बड़ा भाई, ये टीवी यहाँ पे 55-inch का टीवी है, तो भाई आप लेना चाहे तो ये टीवी भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ चलता है। अब यहाँ पे वू भी अपना एक टीवी लेके आया है, तो भाई वू के टीवी का प्राइस भी सेम है, सेम स्पेसिफिकेशन है और सेम हार्डवेयर भी है, तो भाई आप वू का भी टीवी लेना चाहते हैं तो वू का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई यही सब है यहाँ पे टीवी की लिस्ट। हाँ, हालांकि सैमसंग भी है, ब्राविया भी है सोनी का, और बहुत सारे टीवी भी है, पर मैं उनको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई वो एक बहुत हाई क्लास में चले जाते हैं, मतलब 60,000, 70,000, 80,000 में यहाँ पे आपको अल्ट्रा HD देखने को मिलता है, 1,00,000 में अल्ट्रा HD देखने को मिलता है। पर यार यहाँ पे जो आपको वू MI और यहाँ पे आपको थॉम्सन जो प्रोवाइड करा रहा है ना, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की टीवी है। तो बस भाई कल से यहाँ पे सेल है टीवी की, आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर जाना है, आपको ले लेना है अगर आपको टीवी की जरूरत है। तो बस भाई यही सब था इस वीडियो में नए आए हैं तो यार नीचे देखिए रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी होगी जरूर पूछ लीजिएगा, और यार नीचे एक वेबसाइट है ना उसमें भी एक बार से एंटर कर जाइए, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आपको देखने में मिलेंगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।